हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर रेगुलर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं बता देता हूँ, हमारे चैनल पर डेली आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड छोटी छोटी बड़ी से बड़ी पोस्ट के लिए डेली न्यू अपडेट्स मिलते रहते हैं। अगर मेरा भाई और बहन कोई भी हरियाणा से बिलोंग करता है, अगर उसको हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट टाइम टू टाइम चाहिए तो आप हमारे गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। क्योंकि मेरे भाई और बहन आप सभी को पता है कि हरियाणा में डेली किसी ना किसी जिले के अंदर, शहर के अंदर, गाँव के अंदर डेली डीसी रेट जॉब्स निकल कर आती है। अगर आपको भी डीसी रेट जॉब पर लगना है तो डेली यहाँ पर किसी ना किसी जिले के अंदर, आपके कोई भी जिला हो, किसी भी विभाग के अंदर डेली डीसी रेट जॉब्स आती रहती है। तो भाई और बहन एक महीने के अंदर अंदर आपको डीसी रेट जॉब मिल सकती है। डीसी रेट जॉब के लिए क्या अप्लाई करना पड़ता है, किस टाइप से फॉर्म अप्लाई करेंगे, इंटरव्यू कैसे होता है, मेरिट लिस्ट कैसे लगती है, आपको पूरा इस वीडियो में डिटेल वाइज बताऊंगा। अगर कोई भी मेरा भाई और बहन डीसी रेट जॉब पर लगना चाहता है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि आपको पूरा अपडेट रहना पड़ेगा मेरे भाई और बहन। अगर आपको आपके जिले की पूरी जानकारी रहती है कि आपके जिले के अंदर प्रेजेंट में कौन से विभाग के अंदर डीसी रेट जॉब चल रही है, टोटल पोस्टें कितनी है, एज क्या मांग रखी है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म कहां पर जमा करना होगा, अगर इस टाइप की आपको पूरी जानकारी रहती है तो मेरे भाई गुरुबेन एक महीने के अंदर अंदर आपको डीसी रेट जॉब मिल सकती है। क्योंकि डीसी रेट जॉब्स के लिए आप सभी को पता है किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम वगैरह नहीं होता है। डीसी रेट जॉब्स के लिए डायरेक्ट आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको डायरेक्ट उसमें ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है ओनली एक महीने के अंदर अंदर, क्योंकि मेरे भाई बहन इतना फास्ट इसका प्रोसेस होता है। अगर भर्ती एक महीने के अंदर कंप्लीट होती है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसमें एग्जाम वगैरह कुछ होता नहीं, डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई होते हैं, डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजे जाते हैं, एक महीने के अंदर अंदर सारा प्रोसेस हो जाता है और किसी प्रकार का कोई भी फिजिकल वगैरह कुछ नहीं होता है डीसी रेट जॉब में, ओनली आपको फॉर्म भरना पड़ता है। अगर मेरे भाई और कोई भी मेरी बहन हो, अगर डीसी रेट जॉब पे लगना चाहता है, किसी को भी जॉब्स की नीड है इस टाइम में, अगर उसको जॉब्स की जरूरत है तो मेरे भाई और बहन चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि पूरे हरियाणा के साथ साथ दिल्ली के अंदर भी ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट बता दूंगा किसी यूट्यूबर ने आज तक आपको बताया नहीं होगा। क्योंकि दिल्ली के अंदर भी आंगनबाड़ी विभाग हो गया, कोर्ट हो गया, एयरपोर्ट हो गया, मेट्रो हो गया, बिजली विभाग, स्कूल कॉलेजों के अंदर डायरेक्ट मेरिट बेस पर सिलेक्शन होते हैं मेरे भाई और बहन। वन विभाग के अंदर, पार्कों के अंदर जो माली चपरासी होते हैं उनके अंदर मेरे भाई और बहन डायरेक्ट मेरिट बेस पर सिलेक्शन होते हैं। ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट है इतनी अच्छी अच्छी पोस्टों के लिए है और हरियाणा से ज्यादा सैलरी है। अगर आप दिल्ली के अंदर जॉब करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से वहां के भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर डेली आपको पूरे हरियाणा के साथ साथ पूरी दिल्ली के अंदर जो भी न्यू अपडेट्स आएंगे सारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर रखा है, वहां पर भी आप ऐड हो सकते हो। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको 24 घंटे जो भी न्यू अपडेट्स आएंगे सारे वहां पर देखने को मिल जाएंगे। दूसरी चीज, आपको फॉर्म भरते टाइम किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, कोई लिंक नहीं मिलता, कोई साइट में प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो मेरे भाई और बहन आप बेझिझक कि आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करें, हमारी जो टीम है 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई करेगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसका डायरेक्ट आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। तो मेरे भाई और बहन किसी भी प्रकार का कोई भी फॉर्म से रिलेटेड कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको फॉर्म गलत अप्लाई नहीं करना है। फॉर्म अगर आप गलत अप्लाई कर देते हैं तो मेरे भाई और बहन उसके खुद जिम्मेवार होते हैं, क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा उसी टाइम, और आपको फॉर्म रिजेक्ट होगा तो आपको मेरिट लिस्ट और इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। इसलिए मेरे भाई और बहन कोई भी किसी प्रकार का डीसी रेट जॉब्स आती है, अगर डायरेक्ट जॉब्स आती है दिल्ली के अंदर भी, उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी स्टेप समझ में नहीं आते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके गाइज, तो आज की हमारी वीडियो क्या रहने वाली है, हरियाणा होमगार्ड की भर्ती को लेकर कल भी न्यू अपडेट्स आ चुके हैं, काफ़ी यूट्यूबर्स इसके ऊपर बहुत ही बड़े बड़े अपडेट्स आ चुके हैं। 10,000 प्लस पदों पर भर्ती होने वाले, इस दिन से होगा फॉर्म ऑनलाइन, डॉक्यूमेंट्स जान लो क्या क्या चाहिए। सबसे बड़ी बात है मेरा भाई और बहन, आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और ये फॉर्म आपको पता है 8 अगस्त के बाद आपकी सभी मेरे भाई और बहन रेडी हो जाना, क्योंकि 8 अगस्त के बाद ये फॉर्म है ये रेगुलर स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। हरियाणा सरकार है 8 अगस्त को अपना मानचित्र जारी करने वाली है, जिसके अंदर वो जारी करेगी अपना कैलेंडर, पूरी भर्तियों को पर कैलेंडर जारी होने वाला है, जिसके अंदर हरियाणा होमगार्ड की भर्ती, रोडवेज विभाग की भर्ती, फायरमैन की भर्ती, एम्बुलेंस ड्राइवर की भर्ती, डायल 112 की भर्ती, और उसमें सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मेंशन होकर देखने को मिल जाएगी। क्योंकि मेरे भाई और बहन ये भर्तियों को मैं भूल के नहीं बैठा हूँ, क्योंकि इनके अंदर जो भी न्यू अपडेट्स आते हैं सारे यहाँ पर आपको देखने को मिलते रहते हैं। 8 अगस्त के बाद ये 15 से 20 अगस्त तक ये भर्ती पूरी आपको रेगुलर होने की पूरी संभावना है। तो मेरे पास काफ़ी बच्चों के कॉमेंट मैसेज आ रहे थे, सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होमगार्ड की भर्ती के लिए और एज के लिए क्या चाहिए। तो मेरे भाई और बहन सभी ध्यान से सुन लेना, पहली बात तो आपको 15 से 20 तारीख के बीच में ये फॉर्म ऑनलाइन देखने को मिलेगा, सारी चीज़ ये ध्यान से सुन लेना, आपको कहीं पर भी भड़कने की जरूरत नहीं है। क्योंकि काफ़ी यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि ये अगले वीक में स्टार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई और बहन जो भी चीज़ें आएंगी 8 अगस्त के बाद पूरा क्लियर होगा, सबसे बड़ी बात यह है, सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, दूसरी चीज़ डॉक्यूमेंट्स इसमें मेन चीज़ है, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास में होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट,
सर्टिफिकेट। अगर किसी के पास भी इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो वो मेरे भाई ग्रुप में जरूर जरूर बहुत ही जल्द इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट के भी नंबर इसमें डिवाइड कर दिए गए हैं। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो मेरे भाई ग्रुप में उससे अगर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो नहीं हो पाएगा। सबसे पहले आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। सभी मेरे भाई ग्रुप में ध्यान से सुन लेना, दोबारा ये चीजें नहीं देखने को मिलेगी। इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के बाद आपको चाहिए होगा अपना जो एज प्रूफ है उसके बारे में। अगर मेरा भाई और बहन किसी की एज ज़्यादा हो रखी है, अगर उसके पास दसवीं के सर्टिफिकेट में एज मेंशन नहीं हो रखी है, अगर उसको किसी भी प्रकार का एज का प्रूफ चाहिए होगा, अगर अपने आधार कार्ड के अंदर आपका एज पूरा नहीं लिख रखा है, मेरा भाई और बहन सभी ध्यान से सुन लेना, एज के अंदर पीछे पहले जो आधार कार्ड बने हुए थे उसमें डायरेक्ट आपका ईयर लिखा आता था, उसके आगे का मंथ वगैरह नहीं होता था। ईयर का मतलब है 1994 ऐसा कुछ हो गया, 1994 हो गया, 1995 हो गया, ये ओनली ये लिखा आता था। इसके आगे की जो मान के चलो 1 मई है या 1/5 जो भी है, वो अगर आपको नहीं पता है, अगर उसमें मेंशन नहीं है, तो सभी मेरे भाई और बहन अगर किसी का भी आधार कार्ड ऐसा है तो अपना अपडेट करवा लेना, क्योंकि उसके बिना भी फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। सारी चीजें मेरे भाई और बहन ध्यान से सुन लेना। इनकम सर्टिफिकेट आपको समझ में आ गया होगा। एज प्रूफ के लिए अगर आपके पास दसवीं सर्टिफिकेट नहीं है किसी के पास में, अगर नहीं है तो आपको प्लस टू की तो सर्टिफिकेट अनिवार्य है, प्लस टू की सर्टिफिकेट आपके पास सभी के पास होना चाहिए अगर आपको हरियाणा होमगार्ड की भर्ती में लगना है तो। ओके, दूसरी चीज आपको इसके अंदर आपका एज प्रूफ है वो अनिवार्य इसमें मांग लिया गया है। दूसरी चीज आपकी कास्ट सर्टिफिकेट और रेजिडेंशियल होता है और अपना हरियाणा डोमोसाइल होता है, वो आपको न्यू अपडेट्स चाहिए। अगर आप किसी के पास भी 6 महीने से पुराना होमगार्ड की भर्ती के लिए डोमोसाइल्स हैं, अपने कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, रेजिडेंस हो गया, हरियाणा होमगार्ड की भर्ती से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स आएंगे आपको सारे यहाँ पर बताऊंगा, क्योंकि मेरे भाई और बहन जिसने के भी जो डोमोसाइल्स होते हैं वो 6 महीने से पुराने हैं, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो नए बनवाने होंगे, डोमोसाइल नए बनवाने होंगे, क्योंकि मैं आप सभी को बता देता हूं 6 महीने से पुराने जिसके भी डोमिसाइल होंगे उनका फॉर्म भी अप्लाई नहीं होने वाला और उनका फॉर्म पूरा रिजेक्ट होने की संभावना है, क्योंकि ये 10,000 पद आपको लग रहे होंगे कि बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इनके लिए कंपटीशन भी 1,000,000 लोगों का होने वाला है। अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो बिल्कुल आपको करेक्टली अप्लाई करना होगा, क्योंकि आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। डोमिसाइल आपको 6 महीने से पुराने डोमिसाइल तो इसमें नहीं लगने वाले, 6 महीने से पुराने जिसके भी डोमोसाइल है उनके पास अभी भी टाइम है, क्योंकि 15 से 20 तारीख तक वो फॉर्म अप्लाई होने वाला है, उससे पहले आपके पास 10 दिन का टाइम है, 10 से 12 दिन का आप इस फॉर्म को लिए अपना जो डोमोसाइल्स हैं, अपने इनकम सर्टिफिकेट है, अपने आधार कार्ड है, ये सारी चीज़ आप उसमें थोड़ा सा अपडेट कर लीजिए। उसके आगे मेरा भाई और बहन कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती है तो उससे ऊपर तो जो भी न्यू अपडेट आएगा हम न्यू अपडेट में आप सभी को बता देंगे, क्योंकि आपको सबसे पहले है आधार कार्ड, दूसरी चीज़ है आपके डोमिसाइल, ये दोनों आपके अपडेट होने चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड के पीछे काफ़ी बच्चों के ऐसे ईयरली लिख रखा है 1998 हो गया इस टाइप का, और उसके आगे पूरा मंथ वगैरह नहीं लिख रखा। ऐसे अगर किसी के पास भी समस्या है, कंडीशन है, तो वो उनको फॉर्म अप्लाई कर लिए, न्यू फॉर्म भरने के लिए उनको न्यू अपडेट करवाना पड़ेगा, अपना आधार कार्ड है वो अपडेट करवाना पड़ेगा। डोमिसाइल आपको 6 महीने से पुराने नहीं रखने हैं, नहीं रखने तो नहीं रखने, अगर आपको होमगार्ड की भर्ती में लगना है तो आपको 6 महीने के ऊपर होमगार्ड की चाहिए। अगर उसके साथ आपको रोडवेज विभाग की भर्ती के भी अपडेट चाहिए तो मेरे भाई और बहन रोडवेज विभाग में भी सभी अपडेट्स के लिए यही फॉर्म के लिए यही सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। 6 महीने से पुराना आपका डोमिसाइल नहीं होना चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, उसके अंदर एक एक्सपीरियंस और बन जाता है। अगर जो भी मेरे भाई और बहन ज्यादा टाइम का एक्सपीरियंस बनवाएगा उसको वो मिलना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर सबसे मेन चीज है एक्सपीरियंस की, एक्सपीरियंस की उसके अंदर नंबर है। अगर भी एक्सपीरियंस बनवा लेता है तो उसके भी उसमें ओनली इसको छोड़ के, इन तीनों चीजों को छोड़ के उसके अंदर डायरेक्टली एक्सपीरियंस की बात आती है, तो एक्सपीरियंस उस टाइम पे बन जाएगा और उसके पास एक्सपीरियंस होगा तो वो अपना लगा सकता है। होमगार्ड की भर्ती के साथ साथ रोडवेज विभाग में भी सभी अपडेट्स के लिए यही आपके डॉक्यूमेंट चाहिए। और डीसी रेट जॉब्स के लिए अगर आपको न्यू भर्ती में फॉर्म अप्लाई करना है तो अपने न्यू अपडेट सारे आते हैं वो चेक करते रहे और आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भाई में डीसी रेट जॉब्स के लिए डायरेक्टली आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपको जॉब मिल सकती है अगर आप थोड़ा सा अपडेट रहते हैं तो। हरियाणा का एक ऐसा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जहां पर डीसी रेट जॉब्स के जो भी न्यू अपडेट्स आते हैं सबसे पहले सबसे फास्ट आपको हमारी गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल रेगुलर देखने को मिलेंगे। 100% रियल जानकारी, स्टिक जानकारी, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर आपको रेगुलर देखने को मिलती रहेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक प्रोवाइड कर रखा है, वहां पर भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट है, अगर कोई भी वहां पर अपनी इच्छा अनुसार ऐड होना चाहता है तो मेरे भाई और बहन वहां पर ऐड हो सकता है, क्योंकि एक तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको 24 घंटे न्यू अपडेट्स रेगुलर देखने को मिलेंगे, कोई भी डीसी रेट जॉब्स आएगी सबसे पहले सबसे फास्ट वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरी चीज आपको फॉर्म भरते टाइम किसी प्रकार
की फिर भी कोई भी समस्या होती है, कोई भी कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और कोई भी न्यू अपडेट्स आएंगे आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर रेगुलर देखने को मिलते रहेंगे। अगर आपकी छोटे भाई की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना अभी तक नहीं किया। जो भी मेरा भाई उर्बन पहली बार हमारे चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि अगला अपडेट आपके जिले, आपके शहर, आपके गाँव के अंदर भी हो सकता है। कोई भी न्यू अपडेट्स आएंगे सबसे पहले यहाँ पर आपको रेगुलर देखने को मिलते रहेंगे। ओके गाइस, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।